थिंक योर सेल्फ इन इटली नाउ, इतना बड़े बड़े पिज्जे, और देखें ये हमारी सॉस, वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस थिंग आई लाइक ऑन पिज्जा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने फार्मर चीज मेकिंग पर एक लंबी चौड़ी वैरायटी आपको चीज की दी। एक इनोवेशन थी पाकिस्तान में, हैंडक्राफ्टेड आर्टिजनल चीज को कोई जानता ही नहीं था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में फार्मर चीज मेकिंग ने न सिर्फ अपना लोहा मनवाया बल्कि अब हमने तय किया कि हमारे अंदर जो और स्किल्स हैं, जैसे मैंने कनाडा में पिज्ज़ा मेकिंग में, केक्स मेकिंग में एक बड़ा लंबा टाइम गुजारा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वो प्रोडक्ट्स अब आपके साथ शेयर करें। अब टाइम आ गया जब हम अपनी ही बनाई हुई चीज़ को वैल्यू एडिशन पर लेकर जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ शामिल हैं, हमने मैदा लिया और ये मैं डाल रहा हूँ होल व्हीट। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर, और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं यीस्ट। बड़ी जबरदस्त इंग्रेडिएंट है, इसे बोलते हैं ऑलिव ऑयल। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं एक अदद एग, और इसके साथ हम क्या मिक्स करेंगे, ये है मिल्क। फार्मर चीज मेकिंग में हम आपके लिए बनाते हैं बोकनचीनी, जो कि मोजरेला बॉल्स होते हैं, जो कि थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा मार्गरीटा उसके ऊपर डालने के काम आता है। फिर हमारे पास है श्रेड, वाओ, और ये उसके बाद हम लोग ब्लॉक्स, ये 2 kg के ब्लॉक्स हैं, हम लोग कमर्शियल भी बेचते हैं, लोकल भी बेचते हैं, होम डिलीवरी भी करते हैं, मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई करते हैं। अगर आप हल्की क्वालिटी की सॉस इस्तेमाल करेंगे या हल्की क्वालिटी की चीज़ इस्तेमाल करेंगे या इंडस्ट्रियल ये जो मार्केट्स में मिलती हैं वो वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो रिजल्ट्स ना एक्सपेक्ट करें जो इटालियन फ्लेवर्स के अंदर होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए ना हम एक बाउल लेंगे और उसकी ऑयलिंग कर देंगे, ह्यूज बाउल, और हम क्या करेंगे, हम इसको बाउल में रखेंगे, ज़्यादा जल्दी राइज कर जाता स्मूथ। लें जी, डो हमारी तैयार होगी और ये हम उसको टॉस डाउन कर गए हुए। अब हमने इसमें से आपको पिज्जा बनाकर दिखाना है, बड़े अच्छे तरीके से रोल हो जाएगा, वरना पहले आपको रोटियां बनानी सीखनी पड़ेंगी, और फिर क्योंकि हमने बहुत बड़ा पिज्जा बनाना है, आप इसका साइज देख रहे हैं ना, जॉइंट साइज का पिज्जा बन रहा है, तो हमने नाइस से ली थी इसको। हम मैं बताऊं, हमने अपनी वेजीज तैयार कर लिए हुए, एक देखें इसको यूं उठाया जाता है और हाथ पे डाला जाता है। ले सर, थिंक योरसेल्फ इन इटली नाउ, इतना बड़े बड़े पिज्जे, और देखें ये हमारी सॉस, और क्या करेंगे हम इसको स्प्रेड, और ये स्प्रेड पिज्जा मोजरेला गोल्ड, ठीक है, ये 1 kg, और ये हमारी श्रेड पड़ी हुई है। मैं इसके बड़े खूबसूरत से क्यूब्स बनाऊंगा, और मैं ये भी बताता चाहूँ कि हम अपना पिज्जा भी लॉन्च करने जा रहे हैं, बहुत जल्द आपको लाहौर में अपने घर में दस्तयाब होगा। क्यूब्स को पिज्जा, अच्छा पिज्जा कैसे बनाया जाता है, हम ग्रीन ऑलिव्स को स्प्रेड करने लगे, हम ये इसी तरह, ये टमेटोज हैं तो इवनली स्प्रेड, ये है श्रेडेड मोजरेला बाय फार्मर चीज मेकिंग, ये हम इसके ऊपर, ये जो आप मार्केट में जाके खाते हैं ना पिज्जा, घर में ऑर्डर देते हैं, वो तो चीज डालते ही नहीं है, चीज के नाम पे पता नहीं क्या डाल देते हैं, और ज्यादातर आजकल मायनीज का इस्तेमाल पर चले गए हैं, मायो पिज्जा पता नहीं कौन कौन से, जिसको मैं पिज्जा बोलते नहीं हूं, जो आपके बारबेक्यू की आइटम्स जो मिलती हैं उनको अवॉइड करें, हमेशा याद रखें ये ओवर पावर करेगा टेक्सचर को, फ्लेवर को। सॉसेजेस, सलामी, पेपरोनी, इस किस्म की चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूँ। ये दूसरा ओवन चला गया, पिज्जा खाने का जो सबसे ज्यादा मजा होता है वो हाथ से होता है, वन ऑफ द बेस्ट पिज्जा, मुझे पिज्जा वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, और जब ये फार्मर चीज मेकिंग की चीज़ के सब
इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।